बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का वीर सावरकर पर बयान देना कांग्रेस के लिए महंगा पड़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की एक रैली में वीर सावरकर पर देश के साथ धोखा देने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से कांग्रेस मुश्किल में घिर गई है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने गठबंधन से अलग होने की धमकी दी है। वहीं अब वीर सावरकर के वंशज ने जवाहरलाल नेहरू पर हनी ट्रैप का गंभीर आरोप लगा दिया है। क्या होता है ये हनी ट्रैप, पहले ये समझ लीजिए। दरअसल हनी ट्रैप जासूसी का एक तरीका होता है जिसके जरिए खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए खूबसूरत लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता है और ये लड़कियां हुस्न के जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करके खुफिया जानकारी हासिल करती हैं। अब सवाल ये है कि सावरकर की पोती ने ये गंभीर आरोप जवाहरलाल नेहरू पर क्यों लगाया है? तो हम आपको बता दें कि पंडित नेहरू पर आरोप लगाते हुए सावरकर के पोते ने कहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक महिला के लिए भारत के विभाजन के लिए सहमत हुए। 12 साल तक भारत की सारी गुप्त जानकारी अंग्रेजों को दी गई। मैं मांग करता हूं कि पंडित नेहरू और एडविना के बीच पत्राचार में अंग्रेजों से मांगे जाए और उन्हें सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि पूरे देश को पता चलेगा कि जिस नेता को हम चाचा नेहरू कहते हैं उन्होंने कैसे देश को धोखा दिया। ये सारे आरोप सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने लगाए हैं। रंजीत सावरकर ने आगे कहा, पंडित नेहरू बहुत व्यस्त थे इसलिए वे नर्वस ब्रेकडाउन के करीब पहुंच रहे हैं। रंजीत सावरकर ने आगे कहा, पंडित नेहरू बहुत व्यस्त हैं इसलिए वे नर्वस ब्रेकडाउन के करीब पहुंच रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ 4 दिन बिताए, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और ये दोस्ती लंबे समय तक चलेगी। ये बातें एडविना माउंटबेटन ने एक लेटर में लिखी थी जिसका हवाला रंजीत सावरकर ने दिया। रंजीत सावरकर ने आगे कहते हुए कहा कि एडविना ने अपने पत्र में लिखा था कि पंडित नेहरू मेरे काबू में आ गए हैं। रंजीत सावरकर ने आगे कहा, मेरी भारत सरकार से विनती है कि नेहरू और एडविना के पत्र व्यवहार जो हुए उनके सबूत ब्रिटेन से भारत लाए जाएं और उन्हें जनता के सामने जाहिर किए जाएं। तब जनता को पता चलेगा कि हम जिन्हें चाचा नेहरू कहते रहे उन्होंने एडविना को पत्र में क्या क्या लिखा और कैसे देश का बंटवारा कर दिया। आपको बता दें कि वीर सावरकर के पोते रणजीत सावरकर ना सिर्फ विनायक दामोदर सावरकर के प्रपौत्र हैं बल्कि हिंदुत्ववादी विचारों के समर्थक हैं। स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक संस्था के अध्यक्ष भी है। हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता है इस पर विचार के वो कट्टर समर्थक माने जाते हैं। वीर सावरकर के परपुत्र या पोते जो भी कहे उन्होंने जो मांगे की है, उन्होंने कहा कि एडविना माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू के बीच जितने भी लेटर लिखे गए उन लेटरों को ब्रिटेन से मंगाकर भारत में आम जनता के बीच सार्वजनिक किए जाएं। उनकी इस मांग पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।